डर तो लग रहा है, अगर आज नहीं लगा तो कभी ना कभी लगेगा। जैसे कि आज फाइनली वो दिन आ चुका है, इसके लिए मुझे बहुत टाइम से, आज बराबर एक महीना हो गया, सॉरी आज बराबर दो महीने हो गए जो मैंने मेरे घर छोड़ा था, आई थिंक 29-30 को, और आज एक तारीख है, सो मुझे करेक्टली दो महीने हो गए हैं। मुझे वीजा चाहिए था यूके का, सॉरी अमेरिका का, एंड यस अभी सुबह के बजे है 5:54 एंड yes and we have a 3-hour drive all the way to the embassy of america in london so kafi door ja rahe hain 3 ghante ki drive hai yes aur abhi hum log motorway pe hai aur bahut door jana hai abhi to isliye start kiya kyunki andhera hai abhi fir se start karungi jab mujhe lagega ujala ho jayega main bahut nervous hu mujhe lag raha hai kya pata kya hoga kya nahi mera world hona chahiye main do mahine jo bahar rahi hu Don't worry. Wish for the best. Yes. Job is actually over. So it is now, as you can see, 5:55 AM. And जब निकल रहे थे तब मैप ने क्या बोला? United State of America. क्या बोला? America. मैं बोला America का मैप क्यों लगाया तुमने? बुगली सोच रही मैं America को drive कर रहा हूँ. कर भी सकते हैं बुगली. Let's go. एक बार अश्विन और मैंने इंडिया से try किया था इंग्लैंड आने के लिए. तो अश्विन ने बोला आधी गाड़ी तू चला आधी गाड़ी मैं चलाता हूँ, मैंने बोला फिर भी हम नहीं पहुँचेंगे। थैंक यू माय लव। अभी हमने गाड़ी पार्क की है एंड अभी ढूंढ रहे हैं, मुझे वॉशरूम जाना है यार। हम वॉशरूम ढूंढ रहे हैं, पहले एम्बेसी ढूंढे हैं वॉशरूम, पता नहीं अभी सच में ऐसे लग रहा है कब मेरा खत्म होगा। आई एम सो नर्वस, एक बार जल्दी हो जाए फिर टेंशन नहीं, जो भी होता चंगा ही होता। सो रब दी रजा दे विच खुश रहिदा, पहले सूखी हो जाए तो सब चंगा होगा। सो या सो हमने गाड़ी यहाँ वेट रोज में पार्क की है एंड अभी देखते हैं, अभी मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है नीता के लिए। इट्स ओके माय बुगली, आई लव यू, आई लव यू टू माय लव। बुगली आई थिंक ये है क्या? ये कुछ और लग रहा है, झंडा तो इधर, चलो देखते हैं बुगली। Yeah. So, अभी वहाँ पे ऐसे बहुत लाइन है, हम लोगों ने वॉशरूम कर दिया, अभी यस वो जो दिख रहा है ना फ्लैग, हमें उसका वीजा चाहिए बुगली। हो जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी। मैं जैसे हंसती हुई जा रही हूँ मैं वैसे ही हंसती हुई आ रही हूँ, ऐसे देख के स्कैरी लग रहा है क्योंकि इंडिया का अलग होता है, यहाँ का थोड़ा अलग है, यहाँ की लैंग्वेज। मैं नीता को बोला हौसला रख, बस इनको मेरे जैसे इंग्लिश भी नहीं आती यार। तेरी इंग्लिश फिर ज्यादा टिप टॉप है ना। चलो भाई क्या मैं, हाँ हाँ बुगली चलो गुड लक। अभी जो सिक्योरिटी हुई यहाँ पे बहुत ज्यादा चेकिंग होती है एंड यस अभी मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा अलग ही दिख रहा है सब कुछ और मैं अकेली हूँ, सो मुझे तो वीजा मिल जाए, दैट होप फॉर द बेस्ट। चलो अभी नीता अंदर चली गई है, मैं जल्दी जल्दी अपने एक ताना साला इन्ना खराका किया है मेरी आवाज भी नहीं सुन रही होनी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आज वीजा मिले या ना मिले नीता को, फिर भी मैं समझता हूँ कि हम बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि उसका इंग्लैंड का वीजा लगा था ताकि वो मुझे आके मिल सके, हम इधर घूम सके, क्योंकि क्या है ना वट एवर यू गेट यू शुड अप्रिशिएट एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी सो ब्लेस्ड। सो
ऑब्वियसली मेरा दिल चाहता है कि उसको वीजा लगे, वो खुश हो, एंड वो तो कब से अमेरिका जाना चाहती है, घूमना चाहती है सब कुछ। बट मैं ये मानता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आज नहीं लगा तो कभी ना कभी लगेगा। सो पॉजिटिव रहना जरूरी है। अभी उसके लिए ऐसा है ना कि आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर हर, मैं चाहता हूँ कि उसके लिए लग जाए, क्योंकि वो 2 महीना कितना वेट किया, कितना बात करती है अमेरिका में ये करना है वो करना है। सो अभी मैं बाहर बैठ के प्रे कर रहा हूँ, बाबा जी प्लीज सुन लियो, मेरे वीजा ला दियो। एंड मेरा यही है कि जो भी है लाइफ में अप्रीशिएट करना चाहिए कि हाँ थैंक यू बाबा जी, सानू सारी चीजा दीती है। ते जे तो कोई भी चीज मिलती है, जस्ट बी लाइक यू नो व्हाट, शुक्र है कि हमें ये चीज प्राप्त हुई, ये मिली है, क्योंकि वो हमारे नसीब में चीज लिखी है। एंड अगर कई चीजें नहीं होती है तो कोई बात नहीं, जो लिखा है वो ही होता है। तो आई होप अभी वीजा मिल जाए, एंड मैं बाहर बैठ के इधर वेट कर रहा हूँ। मैं उसका रिएक्शन जरूर रिकॉर्ड करूंगा, वो बल्कि सैड हो या खुश हो, बट फिर भी हम साथ में हैं एंड सब कुछ साथ में करेंगे एंड सब जगह साथ में जाएंगे। सो कोई गल नहीं, जो भी होगा चंगे के लिए होगा। जैसे कि ये जो एक टीवी है वहाँ पे, उधर नंबर्स आते हैं और उधर पता चलता है कि हमारा नंबर कब आएगा। सो मेरा नंबर है 381। सो मैं वेट कर रही हूँ मेरे इसका नंबर का, बहुत परेशान आपको दिखा रही हूँ। सो यस, मेरा अभी एक मैं स्लो इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरा वहाँ पे एक इंटरव्यू अभी जस्ट हो गया एंड यहाँ पे अभी सेकेंड इंटरव्यू है, फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछेंगे और फिर पता चलेगा मेरा वीजा आने वाला है या नहीं। बट बाहर का व्यू बहुत औसम है, वरना इस पार्टी में ढूंढना पड़ेगा। मैं जीना को फोन करके बताती हूँ क्या प्रोसीजर चल रही है। मुझे चिन्ना को कॉल करना लग गया पगले कंग्रेचुलेशंस पगली, मेरी मेरी गुगली फर्स्टली कंग्रेचुलेशन गुगली, मेरी गुगली। हम 4 बजे उठ के आए थे और यस हम सो, इट वाज वर्थ इट। यस मैं 2 महीने यहाँ पे रही हूँ और मेरा, मैं अगर इंडिया होती तो मुझे वीजा कभी नहीं मिलता। यूएस वीजा इज बीन फॉर अस एंड यस आई एम सुपर डुपर हैप्पी। ओके, तो मुझे पहले उन्होंने पूछा कि मैं इंग्लैंड कब से हूँ, मैंने बोला 2 मंथ से। फिर क्यों हो, कौन है आपके साथ, मैंने बोला माय फियोंसे, अभी तक फियोंसे हुआ नहीं पर जल्दी होगा। सो बोला फियोंसे के साथ हूँ, तो फिर ना उनको थोड़ा ऐसे लगा कौन फियोंसे क्या, ऐसा थोड़ा थोड़ा डामाडोल लग रहा था। फिर उसने बाद में पूछा आप क्या काम करते हो, आपका वहां पे जाओगे एक्सपेंस कौन उठाएगा, ऐसे वैसे। सो मैंने बोला कि कोई उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पे खुद काफी हूँ, मैं बाद में बोलने वाली थी अगर मैं ना उठा पाई तो मेरा फियोंसे उठा लेगा। बाद में मैंने बोला ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट उसने बोला जस्ट होल्ड 1 सेकेंड आई एम कमिंग बैक। मुझे लगा अभी ये मुझे पासपोर्ट वापस देगी, पर सच में अभी मैं मेरे गुगलू को थोड़ा प्यार कर दी हूँ, मेरी गुगली। फिर मैं आपको बताऊंगी, कंग्रेचुलेशन मेरी गुगली। एक्चुअली यू नो व्हाट, आजकल नीता बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल दी है, आज रट्टा मार के ना प्रॉपर सुनाया होगा। मैं खुश हूँ कि इंग्लिश मुझे, मैं सच में इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, बट थैंकफुली चिन्ना हमेशा बातें करता है और इतना तो बोल पाऊंगी पाई मैं कि जहाँ पे उनको मेरा वीजा अप्रूव हुआ, बिकॉज यूएस वीजा इज नॉट इजी थिंग। एंड यस
Congratulations. अभी हम लोग जाने वाले थे, अभी पार्टी होगी। यस, हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाने थे, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। सो मम्मी को भी लेके जाएंगे प्रॉपर नाइस ड्रेस पहन के। एंड यस, आई एम सो हैप्पी बुगलू यार, आई कांट टेल यू मैन। Right, but I don't know, man. They didn't even give a reason, and now she's like bare upset. She's like visa nahi laga. She goes, do me never wait. Oh no. So who said that my reason was that the India to apply karke aao? I'm not sure, man. I'm fucking stressed myself now. Nita bachari ko ronde hi hai. Oh, look at that. Don't get upset. Look at Melton. You can just Rajvi. The pehli wali day wali last time. Yeah. So what you reckon then? So just tell her not to worry. Rajvi da bhi ek wari refuse hoya si, baat lag gaya si, lag hi janda hunda ya. Yeah. So I don't know, man. I don't know what. So I don't know if it's worth just applying in India because she's there, and that's where she's born. Yeah. That's calm. Might be. Yeah. But you know what? You know your dress. Get the dress ready, innit? Okay. Because she got the visa pass. Very good. मुझे अभी ज्यादा टेंशन होने लगी है। अरे यार। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि वो ऐसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी बट कनेक्शन ही नहीं है। मैं उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्या है ना, जब वो अंदर जा रही थी ना, उसको बहुत ज्यादा टेंशन थी। मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छे के लिए। टेंशन दे लौट ना वीजा। वीजा आ गया सी। हुन बड़ी गल। वीजा लग गया। आता ब्लॉग मध्ये काय बोलू? अरे पण तो रिझन नाही येऊ शकत आम्हाला। तो ब्लॉग मध्ये बोलू काय? पण ब्लॉग मध्ये काय बोलायचं? रिझन मुंबई नाटे वापस अप्लाय करतो। आ गए, मेरा वीजा लग गया, उन्होंने मुझे बोला। बट मैंने लास्ट एंडिंग किया था व्लॉग, सो मुझे उसमें बोलना था कि इंडिया से हमने देखा था तो 5 साल की वेटिंग थी, तो बाद में 2 साल भी हुआ, तो मैं इतना टाइम वेट नहीं कर सकती क्योंकि चिन्ना और मेरा प्लान है वहां पे जाने का, कुछ काम करने का। सो यस, और क्या, हाँ, जैसे कि क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका जीएसटी नंबर, अगर आपके नाम पे कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन हो तो वो, और जितना आपका अकाउंट बैलेंस और जो आपके ये डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होंगे आपको उतना ही अच्छा है। पर सच में एक बात बोलूं, वहां पे मेरा कुछ भी चेक नहीं किया, बट हाँ क्वेश्चन बहुत किए, बिकॉज मेरे प्रीवियस उनके पास जो ट्रैवल हिस्ट्री होगी एंड मेरा अकाउंट डिटेल एंड मेरी सब डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वो सिस्टम में थे मे बी। और जब हम कवर लेटर भी भरते तो उसमें भी आपका स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो, क्या करने वाले हो। उनका बस ये कंसर्न है कि आप जाके वहां पे हमेशा के लिए अपना घर ही ना बसा लो, सिर्फ इस वजह से। एंड यस, मेरा स्मूथली सब कुछ हो गया एंड थैंकफुली। उसके ऐसा नहीं कि 2 महीने रहने के वजह से मुझे यहाँ पे मिल गया है, प्रॉब्लम यह है कि मैं इंडिया जाती फिर से वापस आती है, फिर वो कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज मेरा यहाँ पे भी काम चल रहा था। सो हमने डिसाइड तभी किया था कि यस, मैं 2 महीने यहाँ पे रुकूंगी, क्योंकि टर्की से हम लोग सीधा इंग्लैंड आए थे। और अभी जैसे मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में आएगा, क्योंकि मुझे वहां पे वीजा इज अप्रूव बता दिया है, जैसे पासपोर्ट आएगा हम टिकट करके इंडिया वापस आ जाएंगे। सो यस, थैंक क्यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे विश भी किया, मुझे ऐसे दिलासा दिया। एंड थैंक यू चिन्ना आल्सो, क्योंकि उसने मुझे मेरे साथ मतलब पेशेंसली वो मुझे इतना दूर लेके गया, इतना ड्राइव करके, 4 आवर्स की ड्राइव करके। बुगली ओके, वो यहाँ पे नहीं है बट जब देखेगा तो मैं उसको भी थैंक बोलना चाहूंगी, मेरे फैमिली को भी, उनने उतना सबर रखा कि मैं इतना दूर हूं और वो मेरा वेट कर रहे हैं। सो यस, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना। मैंने उल्टा बोला।